एवरीवन, कुक विद अनु में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है चावल की पापड़ी। ये पापड़ी बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बनती है और इसकी सेल्फ लाइन बहुत ज़्यादा होती है। आप इसे कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे चाय के साथ या किसी डिप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आइए चावल की पापड़ी बनाते हैं। चावल की पापड़ी बनाने के लिए मैंने एक बड़ा कप राइस फ्लोर लिया, एक चम्मच जीरा, एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, आधा कप मैदा, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, आधी कटोरी ऑयल और एक कप पानी लिया। अब मैंने पैन को आंच पे रख दिया है, इसमें एक कप पानी डालूंगी। एक चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार, एक कप के हिसाब से एक कप मैंने राइस फ्लोर लिया, ऑयल दो बड़े चम्मच डालूंगी इसमें, अब पानी के उबाल आने तक इसमें लिड लगाकर 5 मिनट के लिए रखूंगी। पानी में उबाल आ चुका है, अब मैं इसमें राइस फ्लोर डालूंगी और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसको गर्म पानी में हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं लिड लगा के इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे कि हमारा आटा फूल जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं लिड हटा के, ये देखिए हमारा आटा फूल चुका है। अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी। सारा आटा मैंने बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। इसमें मैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूंगी, थोड़ी सी कसूरी मेथी जिसको मैं हाथों से क्रश करके डालूंगी, इससे इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अभी आटा गर्म है, पर ये हमें गर्म ही मिक्स करना है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो हार्ड हो जाएगा। आटा मिक्स हो चुका है, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट आटा तैयार हुआ है। अब मैं इसको दो भागों में बांट लूंगी और इसको फिर से दो भागों में बांट के इसको छोटी छोटी इसकी लोइयां बना लूंगी। हमें छोटी छोटी लोइयां तैयार करनी है, जिससे कि हमारी छोटी छोटी पापड़ी बनेगी। एक लोई को हाथ में लेके उसको गोल करके उसको थोड़ा सा दूसरे हाथ से प्रेस करके फिर उसको सूखे मैदे में लपेट के एक छोटी सी पपड़ी तैयार करेंगे। ये देखिए मैं इसके बेल के पपड़ियाँ तैयार कर रही हूँ। आप इसको हाथों से भी प्रेस करके पपड़ियाँ तैयार कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सारी पपड़ियाँ तैयार कर ली हैं। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तेल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें पपड़ियाँ डाल दूंगी। पपड़ियाँ हमें लो फ्लेम में ही सेकनी है। अगर हम फुल फ्लेम करेंगे तो ये अच्छी पपड़ियाँ नहीं बनेंगी। ये देखिए इतनी सुंदर पपड़ियाँ तैयार हुई हैं। हमारी पपड़ियाँ फ्राई हो चुकी हैं। ये देखिए मेरा दूसरा बैच भी तैयार हो गया। ये देखिए कितनी सुंदर बनी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी ये पपड़ी, राइस पपड़ी जरूर घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। हमारी राइस पपड़ी तैयार है, बनाइए खाइए। आप इसे किसी डिप के साथ, सॉस के साथ, गरम गरम चाय के साथ या इसकी चाट बना के भी खा सकते हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चावल की पापड़ी बनाइए, खाइए, अपने अनुभव कुक विद अनु के साथ शेयर कीजिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।